मेरे भाइयों, अगर उलमा है हमारे बीच में तो हमारी शरीयत को निखार कर खोल कर रखते हैं हमारे उलमा। अगर हमारे उलमा नहीं है तो हम मुर्तद हो जाएंगे, हमारे मुशरिकाना अकीदे हमारे समाज में राइज हो जाएगा, हम कुरान से शरीयत से दूर होते चले जाएंगे। हुआ कि नहीं हुआ? मनुस्मृति पढ़ने वाले कौन हैं? मनुस्मृति की जो आज बात करते हैं ये कौन? ये हिंदू भाई सनातन धर्मी कौन है? ये क्या ये काफिर पैदा हुए थे? क्या ये माँ के पेट से काफिर निकले थे? नहीं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का साफ लफ्जों में ऐलान है, फितरत अल्लाह कुल मौलूदिन यूलद वाला फितरत इस्लाम, खुदा का फरमान है, फितरत अल्लाह लजी फतरना से आली है ला तब्दील लिकलिमात अल्लाह। अल्लाह हालत इस्लाम पर, अल्लाह अपनी फितरत पर इस ज़मीन पर बच्चों को पैदा करता है। अल्लाह की फितरत वहदानियत है। अल्लाह के नबी का फरमान है, इस ज़मीन पर कोई भी बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है तो वो ईमान को कबूल करने की कैपेसिटी लेकर पैदा होता है। कुल मौलूदिन यूलद वाला फितरतिल इस्लाम, अला फितरतिल इस्लाम कान अबवाहु युहब्बिदानिही औ युनज्जिसानिही औ युमस्सिरानिही। ये वो उनके माँ बाप के करतूत की वजह से अगर नवरात्रि में बच्चा आँख खोलता है, देखता है कि वो दुर्गे माता का पूजा करता है, तो वो बच्चा फिर आगे चलकर उसके दिमाग में दुर्गे माता की वो तस्वीर आती है। अगर वो बच्चा दशहरा में पैदा होता है, अगर वो बच्चा होली के दिन पैदा होता है, वहाँ पर जो तस्वीर देखता है, वहाँ पर जो मूर्तियाँ देखता है, वहाँ पर जो श्लोक पढ़े जाते हैं वो देखता है, वो उनके दिलो दिमाग में बढ़ते हैं, घर करते चले जाते हैं, वो फिर बच्चा आगे चलकर उसी को पूजने लगता। वरना क्या एक अल्लाह की इबादत कहाँ नहीं है? मनुस्मृति में नहीं है? एक अल्लाह की इबादत मनुस्मृति में ढूंढिए, आपको मिलेगा। क्या एक अल्लाह तबारक व तआला की पूरी जिंदगी के अंदर उनकी भक्ति करना क्या ऋग्वेद में नहीं है? है। मैंने मंत्र पढ़ा अभी आपके सामने, ओम सह ना बवतु, नए अल्फाज में है, बहुत पुराना मंत्र नहीं है, मैंने नहीं सुना किसी की जुबान में। मैंने ये ऋग्वेद के एक तकरीबन किसी बीच के किसी चैप्टर से निकाला था जब मैं रिसर्च कर रहा था अभी कुछ दिनों पहले हैदराबाद में। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यम करवावहे तेजस्वनावधीदवस्तु मा विद्दिशावहे अन ब्रह्मानंत मनादि विश्व कुर्दजम सत्यम परम शाश्वतम विद्यायस्य सनातनी। इस जमीन पर कीमत है उन लोगों की जो तालीम को अपनाते हैं, जो तालीम को आगे बढ़ाते हैं। ए अल्लाह ए ईश्वर, तेरे सारे नामों के सदक़े में, तेरे सारे नामों की वजह से ये सूरज में रोशनी है, तेरे नाम की बरकत से ये चांद में रोशनी है, तेरे नाम की वजह से सूरज मशरिक से तुलू होता है और मगरिब में जाकर गुरूब होता है, तेरे नाम की वजह से तेजस्वनावधीद वस्तु मा विद्दिशा वहे। ये सारी बातें कहाँ कही गई? हिंदू भाइयों की किताबों में। जो अकीदे हमारे कुरान के हैं, कुरान के बारे में, अल्लाह के बारे में, वही अकीदा हिंदुओं की मनुस्मृति में भी है, लेकिन वो आज नहीं जानते। किसी हिंदू भाई से पूछिए कि जब जंगल के पशु पक्षी प्राणी के भोजन हैं तो उनको अगर खाना चाहेंगे आप तो क्या कहेंगे आप? वो कहेंगे कि वी डोंट नो, हम नहीं जानते। बिकॉज इसलिए कि हमारे कोई गाइडर ही नहीं आए हमको बताने के लिए कि अगर किसी हलाल जानवर को हमें खाना है तो हमें क्या करना है। वो तो साफ ही कहेगा ना कि पाप है, हम मांस नहीं खा सकते, वो यही कहेंगे। लेकिन नहीं, मनुस्मृति के सफा नंबर 159 के अंदर में ये बात बयान की गई, साफ लफ्जों में खोल करके कहा गया। जंगल के पशु पक्षी प्राणी के भोजन हैं, अगर तुम्हारी इच्छा हो किसी हलाल जानवर के मांस को खाने की तो मंत्रों द्वारा पवित्र करके खा सकते हो। प्रोच्छितम भक्षण मांसाम वैष्णवम है मनुस्मृति में, लेकिन हमारे तकरीबन
95% हिंदू भाई हैं, दे डोंट नो अबाउट दिस मैसेज नहीं एंड लॉट ऑफ मैसेज एंड आर फाउंड इन देयर ऑथेंटिक होली ग्रंथ में मौजूद है, पाई जाती है, लेकिन नहीं जानते क्यों, क्योंकि उनके बताने वाले नहीं। अगर हमारे उलमा मफकूद हो गए, मिसाल के तौर पर खत्म हो गए, 10 साल के बाद आपके लाल बतानी में एक भी आलिम दीन नहीं रहा, अल्लाह करे ऐसा ना हो, ऐसा होगा नहीं इंशाअल्लाह, लेकिन कहीं होता भी है, उलमा उठा लिए जाते हैं। जब हम उलमा की बेइज्जती करते, जब हम किसी आलिम दीन पर 376 का धारा लगाकर जेल में डलवाते, जब हम किसी आलिम दीन के ऊपर 153A, 307, 302, 305 की धारा लगाकर उन्हें जेल के अंदर डालते, हम मोमिन कलिमा पढ़ने वाला, जब हम मुसलमान अपनी आपसी रंजिश की वजह से उसको दुनिया के सामने जलील करना चाहते हैं, तो ऐसी हमारी इन हरकतों की वजह से अल्लाह तबारक व ताला उलमा को उठा लेता है। मक्कतुल मुकर्रमा में नबी रहे 13 साल तक, रहे कि नहीं रहे, लेकिन कोई चेंजिंग नहीं। जब वहां के लोगों ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ जुल्म ना इंसाफी की, तो अल्लाह तबारक व ताला ने कहा कि तुम लोग हकदार नहीं हो कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसी नियामत उज़्मा, एक आखिरी नबी, एक सैयदुल अंबिया तुम्हारे बीच में मौजूद हो। अल्लाह ने कहा कि मोहम्मद जाइए यहां से, जरूरत नहीं है इन नालायक नहंजारों के बीच में रहने की जो खामखा आपको परेशान करते। जब आप अपने ईश्वर का नाम लेते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, तो आपके सर पर ओझड़ियां डालते हैं, आपके रास्ते में कांटे बिछाते हैं, क्यों दुश्मनी करते हैं ये? मक्कतुल मुकर्रमा के एक एक बाशिंदों ने नबी से खुली बगावत की, दुश्मनी की, तो अल्लाह ने उस नियामत को छीन कर कहां मुंतकिल किया मुसलमानों? मदीनतुल मुनव्वरा भेज दिया जाता है। हिजरत करके अल्लाह के नबी चले गए, क्यों? इसलिए कि मक्का वालों ने इज्जत नहीं की। आज भी अगर हम अपने उलमा की इज्जत नहीं करेंगे, उनको रुस्वा करेंगे, आपसी रंजिश की वजह से जेल में डलवाएंगे, हमारे जितने भी आलिम दीन जेल गए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारी तारीख में हमारे उलमा हैं जिन्हें जेल में ठूंस दिया गया। एक बात हमेशा याद रखिए, वला तजस्सु वला यगतब बाज़ुकुम बाज़ा, अगर किसी पर कोई चोरी की तुहमत लगाता है, अगर किसी पर कोई रेपिस्ट होने का दावा करता है, तो शरीयत एतबार से जाएंगे तो वो पसीने छूट जाएंगे, वो प्रूफ नहीं कर सकता। शरीयत तो साफ कहता है कि तुम अगर किसी को रेपिस्ट का दावा करते हो कि इसने रेप किया है, तो सबसे पहले प्रूफ लाओ, 3-4 गवाह लेकर पेश करो पहले, नहीं तो तुम पर कोड़े बरसाए जाएंगे, तुम्हें सजा दी जाए। बहुत आसान है, रिश्वत की थैली खोली, पेश किया कहां पर? हमारे जुडिशियरी सिस्टम में मौलाना अब्दुल्ला को के ऊपर यह धारा लगाओ, कौन सा? 307 लगाओ, अटेम्प्ट टू मर्डर का लगाओ 307, और प्रूफ को ख़त्म करने का लगाओ 305, मर्डर का लगाओ 302, रेप का लगाओ 376, डोरी एक्ट का लगाओ 498, देश के एक यूनिटी के खिलाफ भड़काने का लगाओ 153A, 153B, ये सारे लगाओ धारा, लगा देंगे, किसी के ऊपर भी लगा कर केस चला दो, और जब तक नंबर आएगा 5 साल यूं ही बीत जाएंगे। हमारे उलमा जेलों में बंद हैं, एक नहीं 100, कोई गैर नहीं है। हमने एक जलसे में एक बात कही थी अभी सीमापुर कटिहार में, हमने कहा कि हमको नुकसान पहुंचा है हम अपनों से, तारीख मैंने पेश की थी सिराजुद्दौला के, टीपू सुल्तान के और दूसरे बादशाहों, हमें नुकसान पहुंचाया है हमारे अपनों ने, हमारे उलमा जेलों में गए, कौन भेजने वाले? अपने ही लोग।
उठाइए तारीख, बहुत कम है जो दूसरे हैं। हम खुद अपनी ही चराग से हमारे घर को आग लग जाता है, हमारे घर जलकर राख हो जाते। दूसरे तो बोलते हैं सिर्फ। मुसलमानों दुआ करो इन उलमा के लिए। उलमा मौजूद है तो कुरान का सही अकीदा आपके सामने मौजूद रहेगा। उलमा मफकूद हो गए, खत्म हो गए, तो कुरान और शरीयत का पैगाम कौन पढ़कर सुनाएगा। गया हूं मैं राजस्थान के एक एरिया में, तकरीबन वहां पर मुसलमान का घर है ईमान वाले का, बड़ी बड़ी लंबी मूछे, गणेश जी की मूर्ति के सामने कुरान रखा हुआ है। व्हाट इज द मैटर, प्लीज टेल मी, बताओ जरा ये क्या माजरा है। सामने गणेश जी की मूर्ति है, उसके पास करीब में कुरान शरीफ है। मौलाना यही गणेश जी है ना जिन पर कुरान उतरा था। ये देखिए कोई बताने वाला नहीं है उनको कि गणेश जी के ऊपर कुरान उतरा। हमने कहा कि अल्लाह हिफाजत फरमाए। भाई देखो, सबसे पहली बात तो एंड प्लीज यू मस्ट पुट इन अदर प्लेस द कुरान करीम, एंड यू हैव टू नो अबाउट दैट। गणेश जी के ऊपर कुरान नहीं उतरा, कुरान नाजिल हुआ किन पर? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। 23 साल में कुरान नाजिल हुआ है मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। बोला मोहम्मद रसूलुल्लाह को गणेश बोलते। हमने कहा किसने कहा? कोई हाफिज साहब नहीं आपके यहाँ? कोई मौलाना नहीं? बोला मौलाना इस गांव के अंदर, इस गांव में, बोला 40 साल मेरी उम्र है, आज तक इस गांव के अंदर जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं मिला हमें। हमें बताया किसी ने तो हम गए 90 किलोमीटर दूर से आपको बुलाकर लाए, आपके मदरसे से बच्चों को बुलाकर लाए कि हमारे अब्बा का इंतकाल हुआ है, उनकी तदफीन तो ऐसी हो गई, उनका फ्यूनरल ऐसे कर दिया हमने, लेकिन अब चाहते हैं कि किसी ने बताया था कि कुरान पढ़कर, कुरान पढ़िए उनके लिए, दुआएं कीजिए उनके लिए कि अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, इसलिए हमने आपको बुलाया। बताइए मेरे भाई, आपके लाल बतानी में 10 साल तक कोई हाफिज कुरान ना हो, कोई आलिम दीन ना आए, चारों तरफ से आप बंद हो जाए, अगर खुदा ऐसा ना करे लेकिन अगर बंद हो जाए तो आने वाली 50 साल के बाद जो नस्ल होगी, आपके पोते पड़पोते होंगे, बताइए वो अपने अकीदे के एतबार से कितने गूंगे बहरे होंगे, वो कुछ नहीं जानेंगे। इसलिए अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते, हम लोग जो बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं उलमा के ताल्लुक से, बिल्कुल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और वो लोग जो अपने नाम के लिए कुर्सी इख्तदार पर बैठने के लिए बड़े बड़े नाम और उलमा कराम को खामखा जेलों का, कोर्ट कचहरी का चक्कर कटवाते हैं, अल्लाह तबारक व ताला खुद उनके साथ मामला करेगा। अल्लाह उनको हिदायत दे दे ऐसे लोगों को। बड़ा मकाम है एजुकेशन और तालीम का, उलमाए कराम का। बहु नाम जन्म नामन ते ज्ञानवान माम पर पद्दी गेते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। कितनी अच्छी बात कही गई संस्कृत के अंदर, यही बात कही गई कुरान करीम में, कुल हल यस्तविल लजीन यालमून वल लजीन ला यालमून। हम उलमा को बहुत आसान समझ लेते, हम तो हम जनाब हमारे समझने की वजह से मीडिया वाले भी गलत फहमी का शिकार हो जाते कि ये मुसलमान के बीच में उलमा हैं, बड़े सीधे सादे होते हैं। ये सीधे सादे नहीं होते, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला के तरफ से इन्हें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक सर्टिफिकेट दी है दुनिया वालों कि ये नबी के वारिस हैं, और इन्होंने वो फरीजा अंजाम दिया है इस जमीन पर। दिया के नहीं दिया बताओ, जब इस जमीन के ऊपर 3री सदी के अंदर जब अब्बासी सल्तनत के लोगों ने इस्लाम को धुंधला करने की कोशिश की तो उन बातिल ताकत का मुकाबला किसने किया था? खालिद अद्दुर्योश ने किया था, सलामतुल सुहेम असलामतुल अंसारी ने किया था। उठाओ तारीख गवाह है मेरे भाइयों, जब अब्बासी सल्तनत के अंदर कुछ इख्तदार में बैठे हुए कुछ लीडरों के जरिए से जब कुरान करीम के ऊपर इसकी
डिफिनेशन बदलने की बात की गई, उस वक्त के बड़े आलिम दीन इमाम अहमद इब्ने हंबल सामने डटकर खड़े हो गए थे। मैं जानता हूं इस बात को कि उलमाए किराम जब जब आवाज बुलंद करते हैं ये कौम उनकी मुखालफत जरूर करती है कि ये तो नेताजी की सपोर्ट करता है, ये फला की जुबान बोलने लगा है। आज हम बुखारी पढ़ते हैं ना, सबसे पहले अल्लाह की किताब के बाद कुरान के बाद अगर इस जमीन के बाद जमीन पर अगर कोई ऑथेंटिक किताब है, अगर कोई मजबूत कोई हदीस की किताब है अल्लाह के कुरान के बाद, वो बुखारी शरीफ। इस बुखारी शरीफ को लिखने वाले कौन? कोई फरिश्ता नहीं है बल्कि इसी जमीन पर पैदा होने वाले एक बहुत बड़े आलिम दीन बुखारा के अंदर पैदा होने वाले जिन्हें हम लोग इमाम बुखारी के नाम से जानते। इमाम बुखारी को उनके गाँव से निकाल दिया था, फिर क्या हुआ बुखारा का जानते हैं? कम्युनिस्ट के जरिए से उस बुखारे की ईंट ईंट बजा दी गई थी। आज सही तौर पर बुखारे के अंदर बुखारा समरकंद ताशकंद के अंदर इस्लाम का नाम लेने वाला नहीं है। उलमाए किराम को बदनाम करोगे तो तुम नहीं तुम्हारी नस्ल को बर्बाद कर दिया जाएगा। उलमाए किराम की बेइज्जती करोगे जेल में डालोगे तुम नहीं तुम्हारे आने वाले खानदान को अल्लाह तबारक व तआला आसमान व जमीन जमीन से ले आसमान पर ऊपर ले जाकर पटक देखा जैसे कि कौम लूत के साथ किया गया था। वजअलना यहां साफिरा, उठाओ तारीख गवाह है। इमाम अबू हनीफा बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, अल्लाह तबारक व ताला ने उनसे काम लिया था, इमाम मालिक से काम लिया था, अल्लामा इब्ने तैमिया से काम लिया था और अल्लामा नौवी से काम लिया था। ये वो लोग थे हमारे भारत के अंदर जनाब, ऐसे 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 जालिम आए हैं। एक बादशाह आया, उन्होंने शरीयत को मिटाने की कोशिश की, उन्होंने कुरान की जगह पर एक नई शरीयत लाने की कोशिश की। पता है क्या कहा लोगों से? लोगों से यूं कहा कि ये कुरान 1200 साल पुराना हो चुका, बल्कि 1000 साल पुरानी ये शरीयत है, हम एक नई दीन लाना चाहते, एक नई शरीयत लाना चाहते हैं। तो उन्होंने दीन इलाही के नाम पर एक नई शरीयत लॉन्च की, नई शरीयत, और उस शरीयत में हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जैन, जो क्रिश्चियन हमारे इस देश में हैं, ये क्रिश्चियन कौन लाया? वही बादशाह लाया, मुस्लिम बादशाह। नाम सुनकर बड़े ताज्जुब होगा आपको, अकबर बादशाह। अकबर बादशाह कुछ ज्यादा ही सेक्युलर थे, जैसे अभी बाज पार्टी वाले बोलते हैं ना, ए मुसलमानों हम सेक्युलर हैं, हम तुम्हारे हक तुम्हारा हक हुकूक देना चाहते। सारे झूठे होते, मक्कार होते, एक नंबर के झूठे। आज की तारीख में अगर आप झूठ नहीं बोलेंगे तो आप कामयाब सियासतदान नहीं हैं। आज की तारीख में सियासत का मतलब झूठ, बस आज की तारीख, वरना इसका ये मतलब नहीं, बहुत अच्छा मतलब है। तो बड़े सेक्युलर थे। अकबर ने कहा कि हम चाहते हैं कि ऐसी शरीयत बने जिसमें हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जैन, क्रिश्चियनिटीज को यही अकबर बाहर देश से लाए, यूरोप से लेकर आए। यही कौन? अकबर। इनकी बीवी एक क्रिश्चियन थी, उन्हीं के जमाने से क्रिश्चियनिटीज हमारे इस मुल्क के अंदर परवान चढ़ा है। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मेरी आवाज भी चुके बैठी हुई है। तो उन्होंने बस इस पैटर्न को पूरी करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं, क्योंकि मुझे भी लंबा जाना है, लंबे से फिर लंबा जाना है। अगला कल का प्रोग्राम, कल नहीं बल्कि 30 का प्रोग्राम, आज तो 29 तारीख है, आपने तो 28 तारीख की दावत दी थी, हम 29 में तकरीर कर रहे हैं, बताइए। 28 तारीख 12 से पहले खत्म, तो लंबा सफर हमें भी करना, लेकिन ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि वो बादशाह मुस्लिम था। नौजवान ज्यादा जानते हैं अकबर बादशाह, फिल्म भी बनी उनसे रिलेटेड। तो उन्होंने कहा, उनके जो दरबारी थे उन्होंने कहा कि सर क्या कुरान, क्या कुरान, नई शरीयत लॉन्च कीजिए ना, आप बादशाह हैं, यू आर ए किंग। ठीक, कहा कैसी शरीयत हो? कहा दीन इलाही, जो अजान दे अल्लाह हु अकबर अल्लाह हु अकबर, वो भी ठीक,
और जो पे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस ते हो लोक उजागर वो भी ठीक, और जो टन 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 घंटी बजाए वो भी ठीक, और जो पढ़े मूल मंत्र एकम एक ओंकार सतनाम वाहे गुरु वो भी ठीक, यानी सब ठीक, सब बिल्कुल ठीक। उन्होंने अपने राज धर्म को निभाया, धार्मिक धर्म को नहीं, राज धर्म को निभाया। उन्होंने कहा कि कुरान नहीं दीन इलाही आज से नाफिज होगा। लेकिन मेरे भाइयों, इतने बड़े बादशाह के सामने किसी की हिम्मत है कि कोई कुछ बोले? कोई कुछ नहीं बोला।